दोस्तों ये फाटक इतना इरिटेटिंग है क्योंकि ये एकमात्र कनेक्टिविटी है IGATU जाने के लिए, और एक अंडर ब्रिज से होके जाया जाता है, पर अंडर ब्रिज जो रेलवे ने बनाया है उसमें ज़्यादातर नाले के पानी के भरने की समस्या बने रहती है। तो गौरेला में क्या विकास हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी सवाल नहीं पूछता, सब ऐसा ही चल रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेपरवाह आज़ाद। अभी हम गौरेला से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और जस्ट गोरखपुर पर फाटक क्रॉस किया है। तो दोस्तों गौरेला की जो समस्या है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो कि डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पर यहाँ की जो समस्याएँ हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबको अपने काम से मतलब है। पर जो जिम्मेदारी है या जो सवाल आपको पूछना है लोगों से कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप सब टैक्स पे कर रहे हैं, जंगल की कटाई लगातार हो रही है, मैं विगत 6 वर्षों से देख रहा हूँ यहाँ लगातार आसपास डेवलपमेंट के नाम पे जंगल को यूं काटा जा रहा है, और जो जंगल से लकड़ियाँ कट रही हैं उसको जो फॉरेस्ट विभाग है उनके सांठगांठ कुछ ऑफिसर के साथ मिल के यहाँ के लोकल्स उनको औने पौने दाम पे ख़रीद रहे हैं, जो कारपेंटर्स को बेच रहे हैं, और इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ लग रहा है। मैं अगर इसको कंपेयर करूँ 2018 से 2024 को, तो गर्मी का जो आलम है वो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। पहले यहाँ गर्मी के दिनों में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैक्स टू मैक्स 28 डिग्री मैंने यहाँ नोट किया, 28 30 डिग्री, ये जो पीक गर्मी का टाइम जो होता है ना, जहाँ बिलासपुर में हम झेल नहीं पाते, 45 48 डिग्री पहुँचता है, उस समय यहाँ 30 32 28 ये इस रेंज में टेम्परेचर रहता था, जो कि आज 40 के अबव पहुंच रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है वो आप खुद ही सोचिए। ये मैं करंगरा के लिए निकल गया हूँ, ये देखिए यहाँ रेती जमा किया जा रहा है, और ये जो रेत भंडारण है घनश्याम तिवारी जी का, आप मे बी लाइसेंसी हो, मे बी आप कानूनी तौर पे काम कर रहे हो, पर ये ज़्यादातर रेतियाँ यहाँ इलीगली उत्खनन से निकाली जा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि खोंडरी खोंगसरा से अरपा नदी निकलती है, आसपास बहुत सारी नदियों का उद्गम है, नर्मदा है, जोहिला है, सोन नदी है, तो ये नदी के बेसिन से जो रेत का जो उत्खनन है वहाँ यहाँ इफरात हो रहा है, जिसका कोई वो नहीं है। रात को ट्रैक्टर आती है लेके जाती है, कई बार देखा है मैं इस रास्ते से, कई इतने बार अलग अलग समय पे गुजरा हूँ, और इलीगल जो हो रहा है यहाँ उत्खनन वो बहुत ही चिंतनीय है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है गौरेला, अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो ये मैकल रेंज आपको क्लियरली क्लियर दिख रहा होगा, और मैं अपने पुराने दिन को कंपेयर करता हूँ आज के दिन से और इस डेवलपमेंट से, तो बहुत ही मुझे निराशा होती है कि कितनी खूबसूरत जगह थी। यहाँ डेवलपमेंट को अगर आपको करना है तो बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका अचानकमार टाइगर बायोस्फीयर रिज़र्व है, तो हम बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र पे रह रहे हैं। यहाँ केवल हम मानवता को देखते हुए काम करें, उनके विकास को देखते हुए काम करें, वो जायज़ नहीं होगा। एक प्लान वे पे स्ट्रक्चरल प्रोग्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हम अपने इकोसिस्टम को संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ इतने पुराने वृक्ष हैं, उनको ऐसे काटा जाता है जैसे आप खरपतवार काट रहे हो, लिटरली मैं तो पूरा निःशब्द हूँ इस जगह से। इस जगह से मुझे मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत जगह है, पर यहाँ की जो चीज़ें मैं विगत 6 वर्षों में देख रहा हूँ वो मुझे बहुत ही चिंतित करती है। तो ये जो मेरे थॉट्स हैं, बस मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इसको बचाइए, ये हमारी धरोहर है, ये सेंट्रल इंडिया की धरोहर है, ये पूरे भारत की धरोहर है, इसको बचाना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों ये खूबसूरत रास्ता आप देख सकते हैं और सामने ये पहाड़ देख सकते हैं। अमरकंटक को अमरकंटक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आम के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। आम के वृक्ष ज़्यादा होने के कारण इसे आम्रकंटक भी कहा जाता है। आपने भनवारटन के बारे में भी सुना होगा, जहाँ मरी माता का मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मरी माता के ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो बनाऊँगा और यहाँ आसपास की जो अव्यवस्थाएँ हैं उसको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ क्या गलत हो रहा है। क्योंकि हम सब मिलके ही एक नागरिक के तौर पे चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ हम सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस बारे में आप सोचिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो है, साथ में साथ आपको लोकल्स के तौर पे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इवन अमरकंटक और IGN2 के आसपास किन सब चीज़ों की घटनाएं घटित हो रही हैं मैं उनको भी कवर करूँगा, जो मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ। मे बी इससे लोग एग्री नहीं करें किन्हीं किन्हीं बातों को लेके, बट आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं जो दिखाऊंगा वो सच दिखाऊंगा, विथ एविडेंस दिखाऊंगा, विथ प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखिए ये जगह है जहां आपके आने वाली पीढ़ी भी खेलेगी, कूदेगी, बड़ी होगी, तो उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा। यूं केवल अपने बारे में सोच के, अपने 40-50 साल को सोच के अगर आप चलते हैं तो आपकी दृष्टि बहुत ही छोटी है। आप उसको इतना वृहद रखें कि यही धरती है, यही स्वर्ग है, और इस स्वर्ग को स्वर्ग बनाए रखने के लिए जो हमारी चेतना है वो इतनी सजग होनी चाहिए अपने वातावरण के प्रति, अपने चीज़ों के प्रति, और हमें एक इनलाइटमेंट चाहिए अपने माइंड में। वो इनलाइटमेंट केवल तभी आ सकता है जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और तकनीक को समझेंगे, जो विज्ञान को समझेंगे, आध्यात्म को समझेंगे और लोगों से विचार विमर्श करेंगे, आदान प्रदान करेंगे अपने भावों का, उनकी भावों की आप कद्र करेंगे, तब आप इन सब बातों का महत्व को समझ पाएंगे। तो ये खूबसूरत धरा है भारत, तो वैसे ही पूरी दुनिया में फेमस है अपनी खूबसूरती के कारण, अपनी विविधता के कारण। आप अगर दुनिया नहीं घूम पा रहे हैं तो भारत ही घूम लीजिए, मैं तो ये कहूँगा, आपको सारी विविधता एक धरा पे दिख जाएगी। तो ये देखिए, जस्ट हमने धनौली क्रॉस किया है, धनौली क्रॉस करते ही ये हम पहला जो आबकारी चेक पोस्ट है उसको क्रॉस कर रहे हैं और आप यहाँ घने जंगल देख सकते हैं। चारों साइड आपको साल, तेंदू, सागौन, इस तरीके के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बरगद, पीपल, ये इनसे पूरा आच्छादित वन है, ये बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ जैसे ही मैं घुस रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, मुझे उतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रहा है जितना महसूस वहाँ हो रहा था। तो पेड़ का महत्व हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर आज तक हमारे दिमाग में घुस नहीं पा रहा है ये बात, ये भी चिंतनीय है। बचपन से पढ़ रहे हैं पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए, जो मृदा का अपरदन को रोकती है। आप यहाँ चारों साइड कॉर्नर्स में देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सड़क कैसी है। ये सड़क जब से मैं आया हूँ 2018 से, आप देखिए कि इसकी हालत ऐसी है, इसको कोई नहीं सुधार रहा है। आसपास देखिए, जो पहाड़ी इलाका होता है, घाट होता है, उसमें प्रॉपर आपको नाली देनी पड़ती है, जिसके कारण जो पानी जब बारिश का होता है उस नाली के माध्यम से नीचे उतर जाता है। यहाँ देखिए पूरा कटाव हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे,
इस कटाव का इतना बुरा इफेक्ट पड़ेगा, मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। आप जूम करके देखिए कि इस रास्ते पे आप कैसे चल सकते हैं, ये कभी भी एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है जो आपको मौत के कुएं में लेके जाएगा। और यहाँ सारे बच्चे जो स्कूल के पढ़ते हैं वो यहाँ इस रास्ते का उपयोग करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। ये घटिया रास्ता, इसको कोई बनाने का नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्रश। आप देख सकते हैं ऐसे ये जो बड़े बड़े हाईवा जा रहे हैं ना, ये हाईवा सब उन्हीं के लिए हैं। ये बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ तोड़ के इससे पत्थर निकाल रहे हैं, और ये पत्थर का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ इतने क्रशर्स मिलेंगे इस घाटी पे, आपको समझ आ जाएगा कि लोग इस जंगल में कैसे पैसे बना रहे हैं। और ये सब इल्लीगल है, इसके लिए पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा सोचते होंगे कि लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आता है, वो ऐसे ही आता है। बिना मेहनत के आप जब अपने ज़मीन का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, तब आप अमीर बन जाते हैं। पर वो कैसा पैसा है, ऐसा पैसा हराम का पैसा है बिल्कुल। ये देखिए क्या हालत है इन घाटों। दोस्तों उधर आपको क्लियरली दिख रहा होगा एक क्रशर, और कैसे यहाँ बड़े बड़े हाईवाज रखे हुए हैं, और ये जो पूरे आप देख रहे हैं, ऐसे मैं कम से कम आपको 10 गिनवा सकता हूँ इन घाटों पे, जहाँ धड़ल्ले से इन चट्टानों को काट के उससे ये गिट्टियाँ बनाई जा रही हैं, और उन्हें बिलासपुर अलग आसपास के एरिया में बेचा जा रहा है। और ये जो पहाड़ आप सामने देख रहे हैं, इसी का उत्खनन हो रहा है। इसको बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं और पत्थरों को लेके जाया जाता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है कितना पत्थर खुदाई हो रहा है। और ये हमारे इकोसिस्टम को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ये सारे गरीब लोग, आदिवासी लोग यहाँ बसे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। पर ये कैसे बोलेंगे जब एक बड़ा पॉलिटिशियन, पैसे वाले लोग जब कुचलते हैं ना आवाज़ को, तो उसकी आवाज़ क्या चूंकी आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती, तो ये तो नहीं बोल पाएंगे। आप जो दमदार लोग हैं उनको बोलना पड़ेगा इन सब चीज़ों के बारे में। पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं इस तरीकों का पुरजोर विरोध करता हूँ। एक खूबसूरत सा पहाड़ को रोज चीरा जाता है यहाँ,